इंसान है हम, रोबोट नहीं है। मतलब कहीं भी जाना हो, मायके जाना है तो रोटी बना के जाओ, होटल में जाना है रोटी बना के जाओ, शॉपिंग पे जाना है रोटी बना के जाओ, बच्चे की पेटीएम में जाना है रोटी बना के जाओ। यार गैदरिंग में मैंने बहस किसी से नहीं की, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तुम बदतमीज हो। ठीक है, मैं बदतमीज सारा घर संभाल रही हूँ और मैं एक इंसान हूँ, मेरे से भी बहुत सारी गलतियां होती है, पर मेरी एक गलती वो हिस्ट्री बुक में लिखी जाती है, फिर वो बच्चे उसको सालों साल पढ़ेंगे कि मैंने क्या किया था, मेरा ही कसूर था। करती सब कुछ मैं हूँ, समझाती मैं भी उनको, पर क्रेडिट करने मेरे पति को जाता है कि अच्छा तो वही है, उसने ही बोला होगा, तुम तो बोल नहीं सकती। ये क्या बात हुई? अगर वो मेरे मायके की तारीफ कर रहा है तो कुछ तो होगा ना मेरे मायके में। तो मैंने उसको कोई जादू टोना थोड़ी ना किया यार, मेरे पे क्यों इल्जाम लगा? एक औरत को नहीं पीनी चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप है। तो मर्द पिए तो उसका क्या पुण्य का काम है? उसके फेफड़े क्या नहीं आ जाएंगे, उसमें हरे हरे पत्ते लग जाएंगे? पीनी तो उसको भी नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठो। तो इनको भी बोलो ना, इनको भी उठाओ। देखो रोज सुबह उठ के पहले पूजा पाठ करनी चाहिए। पर इनको भी तो करनी चाहिए, क्योंकि एक बहू का काम है कि हर रिश्तेदार के घर जाना। वैसे एक जमाई का भी काम है ना, हर रिश्तेदार के घर जाना। अच्छा जी, उल्टी हो रही है, मन खराब हो रहा है। हमारा होता है तभी हम सारा काम करते थे, मटके लेके पानी भरने जाते थे। तुम्हें तो मजा आरो लग गया है। तुम एक बार हमें हमारा पोता या पोती दे दो, बाकी हम संभाल लेंगे। एक दिन भी मेरी नींद पूरी करने में मेरी हेल्प की है? पूरी पूरी रात जागती हूँ, सुसु पोटी में बिलखती रहती हूँ। तुम पढ़ो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो फिर मेरे से एक ही टाइम का खाना बनवाओ ना, तीन टाइम का मेरे से नहीं बनता। देखो यार क्या है ना, एडजस्टमेंट तो हमने भी